नंबर में है अवतार, जो 2009 में रिलीज हुई थी। बजट था $237 मिलियन, कलेक्शन किया था $2.92 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। दो नंबर में है अवेंजर्स एंड गेम, जो 2019 में रिलीज हुई थी। बजट था $400 मिलियन, कलेक्शन किया था $2.79 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। तीन नंबर में है अवतार 2, जो 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था $460 मिलियन, कलेक्शन किया था $2.32 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। चार नंबर में है टाइटैनिक, जो 1997 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $2.26 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। पाँच नंबर में है स्टार्स वॉर्स 7, जो 2015 में रिलीज हुई थी। बजट था $447 मिलियन, कलेक्शन किया था $2.06 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। छह नंबर में है अवेंजर इन्फिनिटी वॉर, जो 2018 में रिलीज हुई थी। बजट था $400 मिलियन, कलेक्शन किया था $2.04 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सात नंबर में है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में रिलीज हुई थी। बजट था $200 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.92 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। आठ नंबर में है जुरासिक वर्ल्ड, जो 2015 में रिलीज हुई थी। बजट था $215 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.67 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। नौ नंबर में है द लायन किंग, जो 2019 में रिलीज हुई थी। बजट था $260 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.65 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। दस नंबर में है द अवेंजर्स, जो 2012 में रिलीज हुई थी। बजट था $225 मिलियन, कलेक्शन किया था $1.51 बिलियन और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था।